अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो है एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, वो थी नेफ्थलीन के बारे में, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेफ्थलीन, जिसको उर्दू में काफूर बोला जाता है। ठीक है, नेफ्थलीन जिसको उर्दू में जो है वो काफूर बोला जाता है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, काफूर बोला जाता है। ठीक है, जिसको फरनाइल की गोलियाँ बोला जाता है। ठीक है, अपनी मदर से पूछेगा, वो अक्सर रजाइयों वगैरह में रखती होंगी, ठीक है, ताकि उनके जो कपड़े हैं हमारे, जो रजाइयाँ वगैरह हैं, जो वूल है, उसको कीड़े ना लगे। ठीक है, तो नेफ्थलीन हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सब्लिमेशन का प्रोसेस फॉलो करता है। सब्लिमेशन क्या होता है, कि सब्लिमेशन का मतलब ये होता है, सब्लाइम करने का मतलब ये होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट ये किस में चला जाता है, पेपर फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट ही नहीं होती नेफ्थलीन हमारी। ठीक है, उसके बाद इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसका हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि मोथ बॉल्स होते हैं ना, मोथ क्या होता है, मोथ जो होता है वो बिल्कुल एक छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी बिल्कुल थिन सी बॉडी होती है। ठीक है, ये जो होते हैं ना, इंसेक्ट ही होता है। ठीक है, इंसेक्ट होता है जिसकी थिन बॉडी होती है, लार्ज विंग्स होते हैं, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह, जस्ट लाइक बटरफ्लाई। ठीक है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ही होता है। तो उनको वूल के कपड़ों से दूर रखने के लिए जो है बॉल्स बनाए जाते हैं नेफ्थलीन के। ठीक है, ताकि उनको वो ये कीड़े ना लगें और वो कपड़े ख़राब ना हों। ठीक है, तो इस तरह से जो है नेफ्थलीन को यूज़ किया जाता है। आई होप इट्स इंटरेस्टिंग है ना, कि नेफ्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, सब्लिमेशन का प्रोसेस भी फॉलो करता है, आम जुबान इसको काफूर बोला जाता है, या फिर इसको और ही आम में ले जाओ तो कैम्फर, क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में, कैम्फर, और पंजाबी में फरनाइल की गोलियां या फिनाइल की गोलियां। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, जो कपड़ों में रखी जाती हैं, सर्दियों कपड़ों में स्मेल ना आए, वो ख़राब ना हो। ठीक है, उनको जो है ना ये मोथ ना लग जाए, मोथ मतलब इंसेक्ट, जो के पतले पतले से जिनकी बॉडी होती है, बड़े बड़े से विंग्स होते हैं, ठीक है, जो के कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है ये गोलियाँ बनाई जाती हैं, ताकि वो हमारे कपड़ों को ख़राब ना करें। आई होप आपको ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो मेक श्योर टू लाइक, और इंटरेस्टिंग लगी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कितने लोगों को पहले से पता था और कितने लोगों को अब पता चला है। ठीक है जी, और तब तक नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए थैंक यू सो मच।